ये क्रॉल का अभी न्यू मॉडल आया हुआ है, क्रॉल ब्रेकर। ब्रेकर में पहले आते थे नॉन रेगुलेटेड, अभी जो आ रहे सारे रेगुलेटेड के तौर पे आ रहे हैं। अभी इसमें ये दिया हुआ है, ये पंप का मीटर, और दूसरा इसमें ये आ जाएगा ये रेगुलेटर का मीटर। रेगुलेटर जो है फिर इसका अच्छा खासा काम भी करता है। पहले जो इसका जो पहले उड में आते थे पुराने मॉडल्स, उसमें फिर ये था कि 40 फायर के बाद वो प्रेशर कम कर देता था। अभी इसका जो मैक्सिमम फायर है वो तकरीबन 80-85 फायर है। ये तकरीबन आपको 80-85 फायर आपको 900-950 एपीएस में आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा। और इसमें अगर क्या कहते हैं, इसमें जो ओल्ड रेगुलेटर दिया हुआ है, इसमें जो ओल्ड मॉडल है क्रॉल ब्रेकर में, मगर उसमें फिर रेगुलेटर नहीं दिया होता था, उसमें फिर 40 प्रेशर के बाद फिर वो कम हो जाता। तो ये वाला रेक्सीमैक्स, ये आजकल इसका बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। इसमें आपको 3.25 कैलिबर और 0.22 कैलिबर दोनों इसमें आपको वेल्ड मिल जाएंगे। और इसमें इसके साथ दो मैगजीन आते हैं, और इसमें क्या कहते हैं, इसके साथ इसमें अगर आप इसको अपडेट करना चाहो, आप इसके साथ क्रोम का भी आप बोतल इसमें आप लगा सकते हो। क्रोम का बोतल अगर आप इसमें लगा दे, फिर इसका जो वेट है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो और इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है? इसमें फीचर आप इसके जो स्पीड से इसको आप ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। एक्यूरेसी इसका बहुत टॉप है। इसमें आप स्लग्स भी आप यूज कर सकते हो। और एक ये आया हुआ है, ये भी न्यू गन आया हुआ है, ये भी तकरीबन अभी एक हफ्ता दो हफ्ते हुआ है। ये P35X में आया हुआ है। अभी इसका जो ओल्ड मॉडल है, ओल्ड मॉडल इसका P35 फाइबर में आता था, ये आ जाएगा, ये P35 का ओल्ड मॉडल है। मगर अभी जो एक्स आया हुआ है, एक्स में इसने यहाँ पे ये गेट जो है इसको भी थोड़ा नॉर्मलाइज किया हुआ है इसलिए, और दूसरा इसमें सिंगल शॉट भी दिया हुआ है। सिंगल शॉट भी आएगा और इसके साथ मैगजीन भी आएगा। और इसका जो बैरल एसी है वो पुराने से 2 इंच ये थोड़ा बड़ा आ जाएगा। ये भी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। मगर इसका जो एपीएस है वो भी तकरीबन 950, 930, 920। एपीएस का इशू नहीं है, एपीएस आप अगर बढ़ाना चाहो, 1200 पे रखना चाहो, 1200 पे भी रख सकते हो, 700-600 पे वो भी आप रख। बहुत खूबसूरत गन है, छोटे शेप में बनाया हुआ है। ये भी तुर्की का आ जाएगा, रेक्सीमैक्स। ये भी सबसे लेटेस्ट मॉडल है। ड्रोन में जो है इन लोगों ने 2 रेगुलेटर्स इस्तेमाल किए हुए हैं। अभी इसमें देखो, ये आ जाएगा पंप एक्शन का आ जाएगा। इसको जब आप गेट करोगे 90 cc का आपको प्रेशर आपको प्रोवाइड करे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोस्ट वेलकम बैक इनटू माय YouTube चैनल मोहम्मद वाइटी। गाइस उम्मीद करता हूं ऑल सब खैर खैरियत होंगे। तो आज एक बार फिर हम लोग बोलान एयरगन की तरफ आए, जो कि क्वेटा बिल्कुल सिराज कम पे क्या सर्कुलर रोड पर वाकई काफ़ी ही मशहूर है। तो आप हर किसी से पूछ सकते हैं बोलान एयरगन के हवाले से। यहाँ पर आपको हर किस्म की जो मतलब एयरगन्स है PCP में, शार्क स्प्रिंग में, यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। साथ साथ आपको पायलट्स मिलेंगे, स्कोप स्टैंड वगैरह, और यहाँ पर जितने भी जो एयरगन के हवाले से जितने भी मतलब स्पेयर पार्ट्स हैं, मतलब यहाँ पर आपको मिलेगी, अवेलेबल है। तो गाइस ये वीडियो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों से इतना सजेशन है कि यार लाइक करें इस वीडियो को। जिस भाई को भी नंबर चाहिए तो मैं महबूब भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इनके साथ कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। तो गाइस ये आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। आप लोगों से इतनी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल मोहम्मद वाइटी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइज अभी हम लोग बोलान एयरगन की तरफ आ गए हैं, जो कि बिल्कुल क्वेटा सर्कुलर रोड सिराज कम्प्लेक्स पर वाकई है। यहाँ पर हमारे पास महबूब भाई एक बार फिर खड़े हुए हैं। तो गाइज अभी चलेंगे वापस, महबूब भाई से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक ठाक, खैरियत? मैं भी ठीक हूँ अलहमदुल्ला। आप सुनाओ महबूब भाई, खैरियत से? आप अलहमदुल्ला, आप ठीक हो? तबीयत ठीक है यार? मैं भी काफ़ी ठीक हूँ। तो ये बता दें, व्यूवर्स आपको काफ़ी मिस कर रहे थे यार, आपको अप्रिशिएट भी कर रहे थे पिछली वीडियो में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सबका जिसने इज्जत बख्शी। अच्छा, तो दिखा देंगे आपको PCP एयरगन के बारे में। जी जी, हमारे पास तो वैसे आजकल जिस चीज़ का डिमांड है वो सारे PCPs का है। इसमें आजकल जो सबसे ज्यादा हमारे पास चल रहे हैं, एक ये रेक्सीमैक्स आ जाएगा, ये भी बहुत जबरदस्त रेक्सीमैक्स ड्रोन Gen 2 में आया है। ये भी बहुत जबरदस्त, इसमें एक क्रोन का भी, अभी इसमें क्रोन का बोतल भी इसमें आ जाएगा। तो ये वाला रेक्सीमैक्स, आजकल इसका बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। इसमें आपको 3.25 कैलिबर और 0.22 कैलिबर दोनों इसमें आपको वेल्ड मिल जाएंगे। जी जी। और इसमें इसके साथ दो मैगजीन आते हैं, और इसमें क्या कहते हैं, इसके साथ इसमें अगर आप इसको अपडेट करना चाहो, आप इसके साथ क्रोम का भी आप बोतल इसमें आप लगा सकते हो। क्रोम का बोतल अगर आप इसमें लगा दे, फिर इसका जो वेट है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो और इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है? इसमें फीचर आप इसके जो स्पीड से इसको आप ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। एक्यूरेसी इसका बहुत टॉप है। इसमें आप स्लग्स भी आप यूज कर सकते हो। स्लग्स में इसका पावर आप हाई पे रखना चाहो आप हाई पे भी रख सकते हो,
और लो पे रखना चाहो आप लो पे भी रख सकते। तो इसके पास ये क्या जो स्कोप्स वगैरह स्टैंड है, स्कोप्स अभी इसके साथ जो इसका बाइफोल्ड भी दिया हुआ है कंपनी की तरफ से, बाइफोल्ड आपको अलग लेना पड़ेगा, स्कोप फिर इसके साथ मुख्तलिफ आ जाएंगे, इसके साथ आएगा 6-24-50 और फिर कस्टमर के ऊपर डिपेंड। एफसीपीएस इसका क्या होता है, मतलब रेंज होता है इसकी, मतलब कौन सा रेंज? तो फिर आप क्या कहते हैं इसमें, आप 900 EPS 950 EPS वैसे कंपनी की तरफ से देते हैं, अगर इसमें आप कम करना चाहो 700, 600, 650 वो भी आप। ये कहाँ से इम्पोर्टेड है? ये जो ये आती है इम्पोर्टेड, ये आती है तुर्की से, रेक्समैक्स टॉप कन है। अच्छा, इसके आपको शॉटगन्स भी मिल जाएंगे। शॉटगन्स हमारे पास तो शॉटगन्स वगैरह नहीं होते, हमारे पास खाली एयर राइफल्स होते हैं। एयर राइफल्स। इसका प्राइस अभी क्या है? इसके प्राइस अभी यहाँ पे क्वेटा में हमारे पास चल रही है तकरीबन 225-226 इस तरह की, 226-225। अच्छा, हमारे व्यूअर्स के लिए आप कितना करोगे? वो तो फिर इंशाल्लाह जो वीडियो की तवज्जो से आएंगे उसके लिए फिर इंशाल्लाह 5% डिस्काउंट करके। ठीक है, फाइन। अच्छा, जो सिर्फ वीडियो की तवज्जो से आएंगे? जी जी। ठीक है, तो नेक्स्ट सर पेश करें। ये क्या आ जाएगा? स्टार्ट स्टार्ट। ये क्रॉल का भी न्यू मॉडल आया हुआ है, क्रॉल, ये क्रॉल ब्रेकर। ब्रेकर में पहले आते थे नॉन रेगुलेटेड, अभी जो आ रहे हैं सारे रेगुलेटेड के तरफ आ रहे हैं। अभी इसमें ये दिया हुआ है सी पंप का मीटर, और दूसरा इसमें ये आ जाएगा ये रेगुलेटर का मीटर। रेगुलेटर जो है फिर इसका अच्छा खासा काम भी करता है। पहले जो इसका जो पहले ऊड में आते थे पुराने मॉडल्स, उसमें फिर ये था कि 40 फायर के बाद वो प्रेशर कम कर देता था। अभी इसका जो मैक्सिमम फायर है वो तकरीबन 80-85 फायर है। ये तकरीबन आपको 80-85 फायर आपको 900-950 EPS में आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा। और इसमें अगर क्या कहते हैं, इसमें जो ओल्ड रेगुलेटर दिया हुआ है, इसमें जो ओल्ड मॉडल है क्रॉल ब्रेकर में, मगर उसमें फिर रेगुलेटर नहीं दिया होता था, उसमें फिर 40 प्रेशर के बाद फिर वो कम हो जाता था। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है? सिलेंसर वाला क्या है ये? इसमें क्या कहते हैं सिलेंसर इसके साथ अलग लगाना पड़ेगा, इसमें लग जाएगा। इसमें सिंगल शॉट का भी दिया हुआ है और ये चैम्बर का, यहाँ पे ये आप यहाँ पे लोड करोगे सीए, यहाँ पे आप मैगजीन भी डाल सकते हो और इसके साथ सिंगल फायर भी है। अच्छा, सिंगल फायर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, और इसमें ये सेफ्टी का बटन दिया हुआ है और ये इसका ट्रिगर आ जाएगा। अभी देखो ये लॉक हो गया है, सी अभी इसमें आप इसको अनलॉक करोगे, अभी फायर करो इसका, बेहतरीन गन। अभी जो इसमें न्यू आया हुआ है बहुत टॉप क्लास। ये कहाँ का है वैसे? ये भी क्रॉस तुर्की का। हमारे पास चलते हैं सारे तुर्की के, ज्यादा चलते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका प्राइस क्या था आपने कहा? ये तकरीबन 125 तक पड़ जाएगा। गाइस, ये जो एयरगन क्रॉल का आपको दिखाया तुर्की का न्यू मॉडल, ये 125 का आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ओके फाइन, तो नेक्स्ट पे आपके दिखा हुए। और एक ये आया हुआ है, ये भी न्यू गन आया हुआ है, ये भी तकरीबन अभी 1-2 हफ्ते हुआ है। ये P-35X में आया हुआ है। अभी इसका जो ओल्ड मॉडल है, ओल्ड मॉडल इसका P-35 फाइबर में आता था, ये आ जाएगा, ये P-35 का ओल्ड मॉडल है। मगर अभी जो X आया हुआ है, X में इसने यहाँ पे ये गेट जो है इसको भी थोड़ा नॉर्मलाइज किया हुआ है ऐसे, और दूसरा इसमें सिंगल शॉट भी दिया हुआ है, सिंगल शॉट भी आएगा और इसके साथ मैगजीन भी आएगा। और इसका जो बैरल ऐसी है वो पुराने से 2 इंच ये थोड़ा बड़ा आ जाएगा। ये भी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। मगर इसका जो APS है वो भी तकरीबन 950, 930, 920। APS का इशू नहीं है, APS आप अगर बढ़ाना चाहो 1200 पे रखना चाहो 1200 भी रख सकते हो, 700-600 पे वो भी आप रख सकते हो, APS का कोई इशू नहीं है। मगर इसमें ये भी बेहतरीन गन है, बहुत टॉप, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। तो ये भी तुर्की का है? नहीं नहीं, ये चाइना का है, चाइना का है। P-35X मॉडल है इसका, P-35X मॉडल है। और इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है? मतलब इसमें फिर आप सिलेंसर भी लगा सकते हो, बाकी तकरीबन ये थोड़ा सेम है उसके साथ, P-35 ओल्ड वाले के साथ। अभी जो न्यू आया हुआ है ये थोड़ा लेटेस्ट ओल्ड में आया हुआ है। जी जी, फाइन। तो प्राइस क्या है इसकी? ये तकरीबन प्राइस है तकरीबन 1,45,000। 1,45,000 में। तो नेक्स्ट पे कौन सा दिखाएंगे? नेक्स्ट आपको दिखा देंगे एक ये आ जाएगा मेटा प्लस, बहुत खूबसूरत गन है, छोटे शेप में बनाया हुआ है। ये भी तुर्की का आ जाएगा, रेक्सीमैक्स। ये भी सबसे लेटेस्ट मॉडल है। ड्रोन में जो है इन लोगों ने ट्रू रेगुलेटर्स इस्तेमाल किए हुए हैं। अभी इसमें देखो
ये आ जाएगा, पंप एक्शन का आ जाएगा। इसको जब आप गेट करोगे नेवी सीसी का आपको प्रेशर आपको प्रोवाइड करेगा। अभी यहाँ पे भी एक रेगुलेटर है, ये हवा छोड़ के यहाँ पे आ जाती है सी, ये फिर आपको नेवी सीसी है। इसके साथ कंपनी की तरफ से ये दिया हुआ है सी स्टैंड, ये आप रख भी सकते हो। इसके साथ यहाँ पे एक छोटा सा वो भी आता है, और एक ये आप बाइपोड के साथ आप इसको स्टैंड भी लगा सकते हो। ये भी छोटे साइज में बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। इसके साथ भी आपको तकरीबन इसका केस भी मिल जाएगा, और दो मैगजीन भी इसके साथ वैलिड होते हैं। और ये हालांकि सब गनों में सबसे छोटा गन, ये भी सबसे बेहतरीन गन है। ये भी आपको तकरीबन 930-950 FPS स्पीड प्रोवाइड करेगा, और इसमें आप स्लग्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इसमें आप बैरल चेंज करना चाहो, बैरल आप भी चेंज कर सकते हो। इसमें आप 2.5 कैलिबर अभी आप यूज कर सकते हो, और 1.7 भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, और इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है? बाकी तो तकरीबन बाकी थ्रोन जेम 2 की तरह है। इसमें भी आप प्रेशर ज्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। हालांकि ये बहुत खूबसूरत टॉप क्लास का गन है। अच्छा। और ये इसका गेगे से निपल से हवा देने के लिए प्राइस का नहीं बताया आपने? प्राइस ये तकरीबन 2.25। गाइज, ये आपको 2.25 का मिलेगा, यानी 2.5 लाख आपको यहाँ, 2,25,000 का आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, फाइन। अच्छा महबूब भाई, नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या दिखाओगे? नेक्स्ट आप लोग अपने व्यूअर्स को दिखा देंगे स्नोपीक मॉडल M40। ये भी बहुत बेहतरीन मॉडल है, महबूब ने बनाए हुए, मगर ये फिर सेमी ऑटोमेटिक है। इसको बस एक बार लोड करना हो भी, आप मैगजीन भी आप इसमें डाल सकते हो, मगर इसमें फिर सिंगल फायर नहीं आएगा मैगजीन। इसमें 12 पैलेट्स का मैगजीन आता है। इसमें जब आप इसको एक बार लोड करोगे सीए, ये फिर फायर करता जाएगा। अब इसको बार बार चैम्बर नहीं करना पड़ता है। अभी आप देखो सीए, अभी जैसे मेरे हाथ में सीए, ये देखो ठक 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 ठक, ये भी एक्यूरेसी के लिहाज से थोड़ा कमजोर है बाकी की निस्बत, मगर फिर भी लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। ये भी अच्छा मॉडल है। इसका भी APS तकरीबन 880-910 APS इतना ही आएगा। अच्छा, और ये जो है इसमें और क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है? इसमें फीचर इसमें तकरीबन 2.5 MP मार्च इसका प्रेशर है, तकरीबन 910-880-890 इतना। और इसके साथ फिर क्या कहते हैं, इसका 12 पैलेट्स का मैगजीन आ जाएगा। और इसमें क्या कहते हैं, इसमें आप 3.25 कैलिबर भी आप इसमें यूज कर सकते हो। उसके लिए फिर आपको बैरल चेंज करना पड़ेगा। तो ये मतलब स्नोपीक का है? स्नोपीक का है, ये 40 में सेमी ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो ये आप लोग इस डब्बो से आप लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, मतलब बिजली पे पड़े हो? ये फिर इसके इस तरह डब्बे आते हैं, इसी से अनबॉक्सिंग। ये भी तकरीबन सील पैक है, न्यू। अच्छा अच्छा, डिस्प्ले में जो रखे हुए हैं। अच्छा, इसमें अभी एयर गन्स पड़े हुए हैं? हां जी, एयर गन्स पड़े हुए हैं। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों ने देखा, फाइन।